नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान जिले दर्शन में बाड़मेर जिले के बारे में अध्ययन करेंगे। एक ऐसा जिला जो तेल और प्राकृतिक खनिज संपदा का धनी है, एक ऐसा जिला जिसकी स्थापना सन 1552 में राव बहादा द्वारा बाड़ के किले के रूप में बसाया गया था। तो सबसे पहले दोस्तों, हम बाड़मेर जिले का सामान्य परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। बाड़मेर जिले की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण तथ्य जो एक एक लाइन के हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं। बाड़मेर का सामान्य परिचय, बाड़मेर के कौन कौन से मेले भरते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, और उसके बाद में प्रमुख पर्यटन स्थलों और मंदिरों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं हम बाड़मेर जिले के सामान्य परिचय की ओर। देखिएगा, जो जिला है बाड़मेर, इस बाड़मेर जिले की जो स्थापना की गई थी वो स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाड़मेर जिला, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? सबसे पहले इसकी स्थापना सन 1552 में राव बहादा के द्वारा की गई थी। देखिएगा, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? स्थापना, बाड़मेर की स्थापना और बाड़मेर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बाड़मेर की स्थापना सन 1552 ईस्वी में राव बहादा के द्वारा, राव बहादा के द्वारा, ऐसी मान्यता है कि इनके द्वारा बाड़मेर नगर की क्या की गई? स्थापना की गई। अब देखिएगा, इन्होंने जब इसकी स्थापना की तब जो नाम रखा वो नाम रखा था जूना बाड़मेर। देखिएगा, इन्होंने इसका नाम क्या रखा था? जूना बाड़मेर। वर्तमान का जो बाड़मेर है वो वर्तमान का बाड़मेर जूना बाड़मेर के खंडरों के स्थान पर बसा हुआ है। किसके स्थान पर है? जूना बाड़मेर के खंडरों पर। बाद में इसी जूना बाड़मेर के स्थान पर किसकी स्थापना हुई थी? बाड़मेर की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? बाड़मेर की स्थापना हुई। बाड़मेर का जो शाब्दिक अर्थ होता है, देखिएगा, बाड़मेर का यदि आपसे पूछ ले बाड़मेर का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों याद रखना, बाड़मेर का अर्थ होता है बाड़ का किला। बाड़मेर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बाड़ का किला, बाड़ का किला, बाड़मेर का शाब्दिक अर्थ होता है। बाड़मेर की जब स्थापना हुई थी तो सबसे पहले एक दुर्ग बनवाया गया और उस दुर्ग का नाम था जूना बाड़मेर दुर्ग। जूना बाड़मेर दुर्ग के खंडरों के स्थान पर ही वर्तमान में बाड़मेर नगर की स्थापना मानी जाती है। तो याद रखिएगा, यदि आपसे पूछे बाड़मेर का प्राचीन नाम या बाड़मेर का प्राचीन रूप जूना बाड़मेर, ये याद रखना है आपको। बाड़मेर की जो प्रमुख पहचान है वो प्रमुख पहचान किसके रूप में है? बाड़मेर की प्रमुख पहचान है तेल एवं प्राकृतिक गैस, तेल एवं प्राकृतिक गैस। इसलिए कहा जाता तेल एवं प्राकृतिक गैस संपदा का धनी, संपदा का धनी। जिस जिले को कहा जाता है उस जिले का नाम बताइए। बाड़मेर, बाड़मेर को क्या कहा जाता है? तेल एवं प्राकृतिक गैस संपदा का धनी। किसको कहा जाता है? बाड़मेर को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिएगा, इसके अलावा राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला है वो सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। लेकिन राजस्थान में जैसलमेर के उपरांत अर्थात राजस्थान का जो दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो जिला है वो जिला कौन सा है? याद रखिएगा, वो जिला बाड़मेर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो प्रथम स्थान आता है वो प्रथम स्थान आता है जैसलमेर का। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा जिला, किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का दूसरा सबसे बड़ा, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जिला, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जिला किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला है वो सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। दूसरा जो सबसे बड़ा जिला है वो दूसरा सबसे बड़ा बाड़मेर। बाड़मेर का यदि आपसे पूछे क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखिएगा, बाड़मेर का क्षेत्रफल 28,387 वर्ग किलोमीटर। देखिएगा,
बाड़मेर का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल कितना है, 28,387 वर्ग किलोमीटर है। ये एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा अंतर्राज्य भी है और एक ऐसा जिला जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय भी है, यानी राज्यों के साथ में भी सीमा लगती है, जैसे गुजरात के साथ में, और एक देश के साथ में भी लगती है जैसे पाकिस्तान। तो एक ऐसा जिला जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय भी है और जिसकी सीमा कैसी है, अंतर्राज्य भी है, वो जिला कौन सा है, याद रखिएगा, बाड़मेर है। अब देखिएगा, बाड़मेर को क्या कहा जाता है, तेल एवं प्राकृतिक गैस संपदा का धनी। इसकी स्थापना सन 1552 में राव बाधा के द्वारा, जब राव बाधा ने यह बसाया तब एक दुर्ग बनवाया था और नाम रखा था जूना बाड़मेर दुर्ग। इसी के स्थान पर बाद में एक नया नगर बसा जिसे हम बाड़मेर कहते हैं, और बाड़मेर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है बाड़ का किला। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य एक लाइन के जो बाड़मेर से संबंधित है। जैसे देखिएगा बाड़मेर के बारे में एक लाइन के महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य कौन से जिले के, बाड़मेर जिले के। जी हां, देखिएगा, राजस्थान का तीसरा शिल्प ग्राम, राजस्थान का तीसरा शिल्प ग्राम बताओ कहां पर प्रस्तावित है, बाड़मेर में। राजस्थान का तीसरा शिल्प ग्राम कहां पर प्रस्तावित है, बाड़मेर में प्रस्तावित है। एक तो यह सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण फैक्ट है, राजस्थान का तीसरा शिल्प ग्राम कहां पर है, बाड़मेर में। इसके अलावा बाड़मेर में सरस्वती तेल क्षेत्र, याद रखिएगा, बाड़मेर में जो तेल का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, सरस्वती तेल क्षेत्र कहां का प्रसिद्ध है, बाड़मेर का। बाड़मेर में आता है सरस्वती तेल क्षेत्र कहां पर है, बाड़मेर में। वेरी इंपॉर्टेंट है, सरस्वती तेल क्षेत्र कहां का है, बाड़मेर का है। बाड़मेर में देखिएगा, बाड़मेर की जो प्रमुख नदी है वो प्रमुख नदी कौन सी है, लूणी नदी है। बाड़मेर की प्रमुख नदी लूणी नदी, और लूणी नदी के बारे में ऐसा भी कहा जाता है बालोतरा के बाद इस नदी का पानी खारा हो जाता है, बालोतरा से पहले इस नदी का पानी मीठा होता है। महाकवि कालिदास ने इसे अंते सलीला नदी कहा है, और इसी नदी को आदि खारी आदि मीठी नदी भी कहा जाता है, जो अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलती है और गुजरात की खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। नदी का नाम क्या है, लूणी नदी। देखिएगा, कच्छ के रण में विलुप्त होती है, गुजरात में ये। इस नदी में, इस जिले की जो प्रमुख पहाड़ियां हैं, देखिएगा, जो प्रमुख पहाड़ियां हैं वो है 56 की पहाड़ियां। अब आपको ये याद रखना है, 56 की पहाड़ियां तो है बाड़मेर में, और 56 का जो मैदान है वो 56 का मैदान है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य। 56 गांवों का जो समूह है वो 56 गांवों का समूह क्या कहलाता है, 56 का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य। लेकिन बाड़मेर में 56 की पहाड़ियां हैं, याद रखिएगा, 56 की पहाड़ियां, और 56 की पहाड़ियों की सबसे ऊंची जो चोटी है, याद रखिएगा, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उस ऊंची चोटी का नाम है हल्देश्वर पहाड़ी। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उस ऊंची चोटी का नाम क्या है, हल्देश्वर पहाड़ी। और हल्देश्वर पहाड़ी बाड़मेर में कहां पर है, तो शिवाना में। दोस्तों, जो शिवाना का दुर्ग है वो शिवाना का दुर्ग इसी पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर है, हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है। इसके अलावा जो शिवाना है, उस शिवाना को देखिएगा, बाड़मेर की एक तहसील है जिसका नाम है शिवाना, शिवाना में दुर्ग भी बना हुआ है। शिवाना को बाड़मेर का कश्मीर कहा जाता है, बाड़मेर का कश्मीर। तो याद रखिएगा, बाड़मेर का कश्मीर किसको कहा जाता है, शिवाना को कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, बाड़मेर का कश्मीर, कश्मीर कहा जाता है। शिवाना को क्या कहा जाता है, बाड़मेर का कश्मीर कहा जाता है। जी हां, कौन कहलाता है बाड़मेर का कश्मीर, तो याद रखिएगा, शिवाना।
इसी प्रकार से हम और महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं बाड़मेर जिले के। बाड़मेर जिले से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य है वो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं। देखिएगा, बाड़मेर जिले में एक गांव है जिसका नाम है उड़ू। याद रखिएगा, आपने नाम सुना होगा बाबा रामदेव जी की जन्म स्थली उड़ू काश्मीर। लेकिन याद रखना, उड़ू और काश्मीर दो अलग अलग गांव है, दोनों एक गांव नहीं है। उड़ू और काश्मीर दोनों एक गांव नहीं है, दोनों अलग अलग गांव है। जो कहां पर है? बाड़मेर में है। यहीं पर लोक देवता बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था। लोक देवता बाबा रामदेव जी का जन्म, लोक देवता जो बाबा रामदेव जी का जो जन्म हुआ था वो कहां पर हुआ था? उड़ू काश्मीर में। इन दोनों को एक साथ में बोला जाता उड़ू काश्मीर, जबकि हकीकत यह है कि उड़ू गांव अलग है और काश्मीर गांव अलग है, जो दोनों बाड़मेर में। बाद में बाबा रामदेव जी उड़ू काश्मीर से पोखरण आ गए थे, पोखरण जैसलमेर में, और बाद में रुनेच आ गए थे, ये याद रखिएगा। इसके अलावा बाड़मेर जिले में आपने नाम सुना होगा खड़ताल के प्रसिद्ध वादक जो है सदीक खां, वो बाड़मेर के निवासी है। किसके वादक? करताल या खड़ताल, खड़ताल वादक, एक लोक वाद्य यंत्र है जिसे अवनद या ताल वाद्य यंत्र कहा जाता है, खड़ताल। खड़ताल के वादक, खड़ताल के वादक नाम क्या है? सदीम खां। क्या नाम है? सदीम खां। सदीम खां बताओ कहां के निवासी है? यह भी बाड़मेर के निवासी है। बाड़मेर में ब्लॉक प्रिंटिंग अर्थात कपड़े पर हाथ से छपाई के लिए जो कला होती है उसे ब्लॉक प्रिंटिंग या कपड़े से हाथ से छपाई की कला कहते हैं। उस कला में दो राजस्थान में प्रिंट है जो बाड़मेर की प्रसिद्ध है। एक जिसे कहा जाता है मलिर प्रिंट, याद रखिएगा कौन सी प्रिंट? मलिर प्रिंट। और मलिर प्रिंट प्रॉपर बाड़मेर की प्रसिद्ध है, मलिर प्रिंट। इसके अलावा दूसरी जो प्रिंट है उसका नाम है अकोला प्रिंट, सॉरी मलिर प्रिंट, और दूसरी अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट, जो अजरक प्रिंट है वो अजरक प्रिंट बालोत्रा की प्रसिद्ध है। बालोत्रा बाड़मेर की एक तहसील है, ये दो प्रिंटों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा इंदिरा गांधी जो नहर है, इंदिरा गांधी नहर का जीरो पॉइंट, इंदिरा गांधी नहर का जीरो पॉइंट, इंदिरा गांधी नहर का जो जीरो पॉइंट है, जीरो पॉइंट है, वो जीरो पॉइंट है गडरा रोड। और गडरा रोड बाड़मेर की तहसील, याद रखिएगा गडरा रोड बाड़मेर की तहसील है गडरा रोड। और इसके अलावा पीमपलूद, बाड़मेर में एक जगह है जिसे क्या कहा जाता है? पीमपलूद कहा जाता है, पीमपलूद, पीमपलूद। इसे कहा जाता है मारवाड़ का लघु माउंट आबू, मारवाड़ का लघु माउंट आबू, मारवाड़ का लघु माउंट आबू। तो याद रखिएगा मारवाड़ का जो लघु माउंट आबू कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? पीमपलूद को कहा जाता है। इसके लिए बाड़मेर में आपको आलम जी का मंदिर मिलेगा, एक प्रसिद्ध मंदिर है आलम जी का धोरी मन्ना में, इसे घोड़ों का स्वर्ग कहा जाता है। आलम जी का मंदिर राजस्थान में, जो आलम जी का मंदिर है याद रख लेना, ये आलम जी का मंदिर है कहां पर है? धोरी मन्ना में है, धोरी मन्ना में। और इसे कहा जाता है घोड़ों का स्वर्ग। क्या कहा जाता है? घोड़ों का स्वर्ग कहा जाता है, जन्नत कहा जाता है घोड़ों की। ये बाड़मेर के महत्वपूर्ण तथ्य है, याद रखिएगा बाड़मेर के महत्वपूर्ण तथ्य। बिल्कुल राजस्थान में जो बकरियां प्रसिद्ध है, एक ये भी याद रख सकते हो, राजस्थान में बकरियों के लिए प्रसिद्ध, बकरियों के लिए प्रसिद्ध, बकरियों के लिए प्रसिद्ध, बकरियों के लिए राजस्थान में जो जिला प्रसिद्ध है उस जिले का नाम क्या है? बाड़मेर है। बिल्कुल हम मल्लीनाथ जी के बारे में, विरात्रा माता जो भोपों की कुल देवी है, इनके बारे में भी अध्ययन करेंगे हम, लेकिन अभी ये महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा बाड़मेर जिले के। जैसे देखिएगा राजस्थान का जो तीसरा शिल्प ग्राम, राजस्थान का कौन सा शिल्प ग्राम? तीसरा। राजस्थान का जो पहला शिल्प ग्राम है आपको पता हो तो हवाला गांव उदयपुर में था, और तीसरा प्रस्तावित जो गांव है वो कहां पर है? बाड़मेर में।
बाड़मेर में सरस्वती तेल क्षेत्र, बाड़मेर में, बाड़मेर की जो प्रमुख नदी है वो प्रमुख नदी कौन सी है? लूणी नदी। और बाड़मेर में बाड़मेर की एक तहसील है जिसका नाम है बालोत्रा, उसके बाद में इस नदी का पानी खारा हो जाता है। देखिएगा, इसके अलावा बाड़मेर में 56 की पहाड़ियां हैं। यदि आपसे पूछे 56 का मैदान, देखिएगा अंतर है, 56 का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य है, जबकि 56 की पहाड़ियां बाड़मेर जिले में है। और 56 की पहाड़ियों में भी जो सबसे ऊंची पहाड़ी है उसका नाम है हल्देश्वर पहाड़ी, जो शिवाना में है, और शिवाना को कहा जाता है बाड़मेर का कश्मीर। यहीं पर आपको पता हो तो वीर नारायण पंवार द्वारा 10वीं सदी का एक बहुत भव्य दुर्ग है जिसे शिवाना का गढ़ कहा जाता है। देखिएगा, उड़ू और कश्मीर दो गांव है, उड़ू और कश्मीर, यहां पर बाबा रामदेव जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। बाबा रामदेव जी का जन्म खड़ताल वादक, राजस्थान में एक लोकवाद्य यंत्र है जिसका नाम है खड़ताल, और इसके जो प्रसिद्ध कलाकार है सदीम खां, वो बाड़मेर के निवासी है। कोटड़ा का तला, बिल्कुल हाँ, कोटड़ा का तला और कोटड़ा का दुर्ग जो है वो भी बाड़मेर में है। बाड़मेर जो जिला है वो किसके लिए प्रसिद्ध? बकरियों के लिए प्रसिद्ध है। मलिर प्रिंट और अजरक प्रिंट, ये दो ब्लॉक प्रिंटिंग है, और ब्लॉक प्रिंटिंग में क्या होता है कि हाथ से कपड़ों पर छपाई की जाती है, हाथ से कपड़ों पर छपाई की जाती है, इस कला को ब्लॉक प्रिंटिंग। इंदिरा गांधी नहर का जीरो पॉइंट गडरा रोड, और गडरा रोड है कहां पर? है बाड़मेर में। जो पिंपलूद है इसे पिंपलूद को मारवाड़ का लघु माउंट अबू कहा जाता है, और पिंपलूद है कहां पर? है बाड़मेर में। आलम जी का धोरा, देखिएगा इसे आलम जी का धोरा भी बोलते हैं, आलम जी का धोरा या आलम जी का मंदिर, ये कहां पर है? धोरी मन्ना में। इसे क्या कहा जाता है? घोड़ों का सुरग कहा जाता है। बिल्कुल गंगानगर जिला नहीं हुआ, गंगानगर जिला भी आपको पढ़ाया जाएगा। देखिएगा, इसके अलावा बाड़मेर में हम बात करें प्रमुख मेलों की, बाड़मेर के प्रमुख मेले कौन कौन से है? बाड़मेर में भरने वाले प्रमुख मेले, बाड़मेर में भरने वाले प्रमुख मेले, सबसे पहले तल्लीनाथ, मल्लीनाथ जी का मेला, और जो मल्लीनाथ जी का मेला भरता है वो मल्लीनाथ जी का पशु मेला है, मल्लीनाथ जी का पशु मेला, मल्लीनाथ जी का पशु मेला। और मल्लीनाथ जी का पशु मेला कहां पर? तिलवाड़ा में। मल्लीनाथ जी का पशु मेला कहां पर है? तिलवाड़ा में भरता है, याद रखिएगा। यह पशु मेला है, भरता कब है? तो यह भरता चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक, एक महीने तक भरने वाला यह मेला है। यह मेला भरता है चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक, एक महीने तक भरता है। दोस्तों, इस मेले के बारे में क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इस मेले के बारे में कहा जाता है राजस्थान में सबसे प्राचीन पशु मेला, या राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है ये तिलवाड़ा में। बिल्कुल देखिएगा, तलवाड़ा अलग है, तिलवाड़ा अलग है। तलवाड़ा जो स्थान है वो तो है आपको बांसवाड़ा में मिलेगा, तलवाड़ा एक झील है जो कहां पर है? हनुमानगढ़ में, और इसका नाम क्या है? ये तिलवाड़ा है, ये याद रखिएगा। इसके बारे में यह भी कहा जाता है पशुओं की आबादी की दृष्टि से, या पशुओं की संख्या की दृष्टि से, संख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला, सबसे बड़ा पशु मेला, पशुओं की संख्या की दृष्टि से यह राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है।
दोस्तों याद रखना, एक तेजाजी का पशु मेला भरता है पर्वतसर में, और पर्वतसर में जो तेजाजी का पशु मेला भरता है उस पशु मेले के बारे में यह कहा जाता है कि वो पशु मेला राजस्थान में आय या आमदनी की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। जबकि ये जो मेला भरता है, ये जो मेला है, सॉरी ये 30 दिनों तक नहीं 15 दिनों तक भरता है, एकादशी से लेकर कहां तक, एकादशी तक 15 दिनों तक भरता है। आय या आमदनी की दृष्टि से आपसे मेला पूछे तो वो है तेजाजी का पशु मेला, और वो भरता है पर्वतसर में। और पशुओं की संख्या की दृष्टि से यदि आपसे पूछे तो वो किसको कहा जाता है, याद रखिएगा, मल्लीनाथ जी का पशु मेला। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन है। इसके अलावा सावन जो मेला भरता है, एक मेले का नाम है जिसका नाम है सावन मेला। कौन सा मेला? सावन मेला। और जो सावन मेला भरता है वो सावन मेला कहां पर भरता है, याद रखना, शिवाना में भरता है, शिवाना बाड़मेर की तहसील। इसके अलावा आलम जी का मेला, जहां आलम जी का मंदिर है, जिसे आलम जी का धोरा भी कहा जाता है, ये कहां पर, धोरी मन्ना में। और धोरी मन्ना कहां पर है, याद रखिएगा, बाड़मेर में। इसे क्या कहा जाता है, घोड़ों का स्वर्ग स्थल कहा जाता है। इसके अलावा खेड़ का रण छोड़ राय मंदिर, खेड़ में एक मंदिर बना हुआ जिसे कहा जाता है रण छोड़ राय मंदिर, और उस रण छोड़ राय मंदिर में जो मेला भरता है उस मेले का नाम है रण छोड़ राय मंदिर, रण छोड़ राय मेला। और रण छोड़ राय मेला भरता है कहां पर है, खेड़ में। खेड़ कहां पर है, बाड़मेर में। इसके बारे में यह कहा जाता है ये रेबारी या राई का जाति का मुख्य पूजा स्थल, राई का या रेबारी का ये मुख्य पूजा स्थल है। कौन सा, रण छोड़ राय मंदिर जहां है वहां पर मेला भरता है, जिसे रण छोड़ राय मेला भी कहा जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा, हल्देश्वर जो मेला है, हल्देश्वर जो पहाड़ी है, इसके ऊपर हल्देश्वर महादेव शिवरात्रि का मेला भरता है, मां शिवरात्रि के दिन पिंपलूद में, जिसे हल्देश्वर महादेव मंदिर भी कहा जाता है। हल्देश्वर महादेव मेला ये पिंपलूद में लगता है, वही है जिसे क्या कहा जाता है, पिंपलूद, इसे कहा जाता है मारवाड़ का लघु माउंट। इसके अलावा सुइया मेला, ये इंपॉर्टेंट है भाई, बाड़मेर का। कौन सा मेला, सुइया मेला। ये जो सुइया मेला है, ये सुइया मेला भरता है चौठन में। कहां पर है, चौठन में। और इसे कहा जाता है अर्धकुंभ, याद रखना, सुइया मेले को क्या कहा जाता है, अर्धकुंभ कहा जाता है। कौन से मेले को अर्धकुंभ कहा जाता है, सुइया मेले को अर्धकुंभ कहा जाता है। अर्धकुंभ के नाम से यह प्रसिद्ध है, जो हर 4 वर्ष बाद लगभग पौष अमावस्या को भरता है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये मेला भरता कब है, पौष अमावस्या को, 4 वर्ष में एक बार, पौष अमावस्या 4 वर्ष में एक बार ये जो मेला है, सुइया मेला, ये 4 वर्ष में एक बार भरता है। इसके अलावा थार महोत्सव जो आयोजित होता है राजस्थान में, जो थार महोत्सव है, जिसे मरु महोत्सव जैसलमेर, इसी प्रकार से जो थार महोत्सव है वो थार महोत्सव प्रसिद्ध कहां का है, बाड़मेर का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है, बाड़मेर का। कौन सा महोत्सव, थार महोत्सव। इसके अलावा नाकोड़ा जी का मेला, इसे बोलते हैं नाकोड़ा तीर्थ मेला, नाकोड़ा जो तीर्थ मेला है वो नाकोड़ा में। इसके अलावा वीरातारा माता का मेला, जो भोपों की कुलदेवी है, नाम क्या है, वीरातारा मेला। कौन सा मेला, वीरातारा मेला, वीरात्रा भी बोलते हैं इसे,
इसे वीरात्रा भी बोलते हैं, वीरातारा भी बोलते हैं। वीरात्रा माता है, वहां पर मेला भरता है। कौन सा माता? वीरातारा या वीरात्रा माता। और ये मेला भरता है कहां पर है? चौटन में। चौटन में याद रख लेना, चौटन कहां पर है? बाड़मेर में। तो दोस्तों ये प्रमुख मेले है। ये आपने नोट कर लिए होंगे, ये बाड़मेर में जो भरने वाले जो प्रमुख मेले हैं वो प्रमुख मेले हैं। तो जैसे देखिएगा मल्लीनाथ मेला, इनके बारे में तो सब जानते हैं। मल्लीनाथ मेला तिलवाड़ा में भरता है, जबकि तिलवाड़ा से मिलते जुलते राजस्थान में तीन फैक्ट है। तलवाड़ा झील पूछे, तिलवाड़ा झील नहीं, तलवाड़ा झील, तो वो है हनुमानगढ़ में। राजस्थान में जब गग्गर नदी प्रवेश करती है हनुमानगढ़ में, तो तलवाड़ा झील का निर्माण करती है। बांसवाड़ा में एक स्थान है जिसे तलवाड़ा कहते हैं, और ये बाड़मेर का एक स्थान है जिसे तिलवाड़ा कहते हैं, ये याद रखिएगा। तिलवाड़ा, तिलवाड़ा कहां पर? बाड़मेर में। 15 दिनों तक ये मेला भरता है, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक भरता है ये। इस मेले के बारे में ये कहा जाता है राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है, पशुओं की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला। और यदि आपसे प्रश्न पूछे, यदि आपसे प्रश्न पूछे कि आय या आमदनी की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो आय या आमदनी की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला तेजाजी का पशु मेला है, जो प्रबत्सर में भरता है। इसके अलावा सावन मेला, सावन मेला कहां पर है? शिवाना में है। आलम जी का मेला, आलम जी के मंदिर या आलम जी के धोरे में ये आयोजित होता है, धोरी मन्ना में। कहां पर है? धोरी मन्ना में। इसके अलावा रण छोड़ राय मेला, रण छोड़ राय जी का मंदिर है, भगवान कृष्ण का ये मंदिर है। राव आस्थान, जो मारवाड़ के राव सिंह के जो पुत्र हुए उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ये राई का या रेबारी जाति जो ऊंट पालक जाति है, इसका आराधना का पूजा स्थल का मुख्य पूजा स्थल है। इसके अलावा देखिएगा हल्देश्वर पहाड़ी पर जो हल्देश्वर महादेव है, वहां पर जो मेला भरता है वो मां शिवरात्रि के दिन भरता है, पिंपलूद नामक स्थान पर। इसे मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहा जाता है। किसको? पिंपलूद को। सुइया मेला, देखिएगा मान्यताओं के अनुसार वर्ष में 12 वर्षों में एक बार, और छोटा सा मेला 4 वर्ष में एक बार भी आयोजित होता है, लेकिन जब भी ये आयोजित होता है याद रखना पौष अमावस्या के दिन आयोजित होता है। इसे अर्धकुंभ कहा जाता है। ये कहां पर भरता है? चौठन में आयोजित होता है। थार महोत्सव, वेरी इंपॉर्टेंट, जो थार महोत्सव है वो तो बाड़मेर में, और जो मरु महोत्सव है वो मरु महोत्सव कहां पर है याद रखिएगा? जैसलमेर में। इसके अलावा नाकोड़ा तीर्थ स्थल कहां पर है? नाकोड़ा में। वीरात्रा माता, जो भोपों की कुलदेवी है, वीरात्रा या वीरात्रा माता, ये वर्ष में 2 बार आयोजित होता है मेला। वीरात्रा माता का कहां पर है? चौटन में। और चौटन कहां पर है? बाड़मेर में। ये दोस्तों हमने प्रमुख बाड़मेर जिले के जो प्रमुख मेले थे उन प्रमुख मेलों के बारे में अध्ययन किया है। अब देखिएगा इसके अलावा बाड़मेर में जो प्रमुख मंदिर है उन प्रमुख मंदिरों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। जैसे देखिएगा किराड़ू, बाड़मेर का एक स्थान है जिसे कहा जाता किराड़ू। किराड़ू प्रसिद्ध किसके लिए? किराड़ू प्रसिद्ध है भगवान शिव के मंदिरों के लिए। किराड़ू का जो प्राचीन नाम मिलता है वो किराड़ू का प्राचीन नाम मिलता किरात कूप, ये याद रखिएगा। किराड़ू बाड़मेर में इसी का प्राचीन नाम मिलता किरात कूप। किरात कूप कहा जाता किसको? किराड़ू को। किराड़ू में भगवान शिव और विष्णु के मंदिरों का समूह है। भगवान शिव वे भगवान विष्णु के मंदिरों का समूह, मंदिरों का क्या है? समूह है, ये याद रखिएगा। भगवान शिव और भगवान विष्णु के मंदिरों का क्या है? समूह है। कहां पर है? किराड़ू में। किराड़ू के बारे में यह कहा जाता है किराड़ू के ये जो मंदिर बन रखे हैं, ये मंदिर बन रखे हैं जिस गांव में है उस गांव का नाम है हातमा गांव। गांव का नाम क्या? हातमा गांव, वेरी इंपॉर्टेंट है। किराड़ू के जो ये मंदिर बन रखे हैं, ये
कि रड़ू के कौन से गांव में, हात्मा गांव में बन रखे है। अब देखिएगा इस किराड़ू को क्या कहा जाता है, बिल्कुल कई विद्यार्थियों के आंसर आ रहे हैं राजस्थान का खजुराहो। राजस्थान का खजुराहो क्यों कहा जाता है, प्रश्न यह है। इन किराड़ू के मंदिरों को क्या कहा जाता है, राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। लेकिन राजस्थान का खजुराहो क्यों कहा जाता है, खजुराहो जो जगह है वो है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। और इस खजुराहो जगह पर जितनी भी मूर्तियां मिलती है वो नग्न मूर्तियां मिलती है। और राजस्थान में अब कहीं पर भी, भारत में कहीं पर भी यदि नग्न मूर्तियां मिलती है तो इसे क्या कहा जाता है, खजुराहो कहा जाता है। इसी कारण ये क्या कहलाता है, खजुराहो कहलाता है। अब देखिएगा यहां का जो सबसे प्रमुख मंदिर है, किराड़ू का जो सबसे प्रमुख मंदिर है, उस मंदिर का नाम है सोमेश्वर मंदिर। और दोस्तों जिस मंदिर के अंत में ईश्वर शब्द आता है वो मंदिर भगवान शिव का, तो देखिएगा ये भगवान शिव का मंदिर है। सोमेश्वर मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह मंदिर नागर शैली में निर्मित है। कौन सी शैली में, नागर शैली में निर्मित। कौन सी शैली में निर्मित, नागर शैली में निर्मित। और इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट, किराड़ू के इन मंदिरों के बारे में यह कहा जाता है, राजस्थान में प्रतिहार कालीन, राजस्थान में प्रतिहार कालीन मामारू शैली में निर्मित। प्रतिहार कालीन मामारू शैली में निर्मित, शैली में निर्मित अंतिम मंदिर समूह, अंतिम मंदिर समूह, जो अंतिम मंदिर समूह है वो किराड़ू के, याद रख लेना शिव मंदिर है। प्रतिहारकालीन, याद रखना प्रतिहारकालीन जितने भी मंदिर होते हैं उन मंदिरों की जो शैली होती है उस शैली को क्या कहा जाता है, मामारू शैली कहा जाता है। और मामारू शैली में निर्मित राजस्थान के जो अंतिम मंदिर समूह है वो अंतिम मंदिर समूह यही है। इन मंदिरों का जो निर्माण हुआ सबसे इंपॉर्टेंट, देखिएगा 10वीं व 11वीं सदी में निर्मित। किराड़ू के जो ये मंदिर है, ये मंदिर कौन सी सदी में निर्मित है, 10वीं व 11वीं सदी में निर्मित है। राजस्थान में 8वीं से लेकर 10वीं या 11वीं सदी के मध्य जितने भी मंदिर बने हैं उन मंदिरों को प्रतिहारकालीन मंदिर कहा जाता है। और प्रतिहारकालीन मंदिरों की जो शैली होती है उस शैली को मामारू शैली कहा जाता है। तो ये मामारू शैली में निर्मित है। किराड़ू के भी यदि आपसे पूछे कौन से गांव में स्थित है तो याद रखना गांव का नाम क्या है, हात्मा गांव है। गांव का नाम पूछे तो याद रख लेना गांव का नाम क्या है, हात्मा। ये यहाँ पर मंदिर है, जितने भी मंदिर है या तो भगवान शिव को समर्पित है या भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ के जितने भी मंदिर है उनमें सबसे प्राचीन जो मंदिर है, सबसे प्रमुख जो मंदिर है, उस मंदिर का नाम है सोमेश्वर मंदिर, जो नागर शैली में निर्मित है। नग्न मूर्तियों के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का खजुराहो क्यों, नग्न मूर्तियों के कारण, नग्न मूर्तियों के कारण। इन्हें नग्न मूर्तियों के कारण क्या कहा जाता है, राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। और राजस्थान में प्रतिहारकालीन मामारू शैली में जो अंतिम मंदिर समूह है वो अंतिम मंदिर समूह कौन सा है, यही मंदिर समूह है किराड़ू, याद रखिएगा। बिल्कुल महावीर जी, जो राजस्थान में प्रसिद्ध गोंद उत्पादक क्षेत्र है, कुमट के पेड़ों से गोंद की प्राप्ति होती है चौटन में, चौटन प्रसिद्ध है इसके लिए। अब आगे देखिएगा एक रणछोड़राय मंदिर, कौन सा मंदिर, रणछोड़राय मंदिर। जो रणछोड़राय मंदिर है, ये रणछोड़राय मंदिर है खेड़ में, और खेड़ कहां पर है, बाड़मेर में, मारवाड़ में। देखिएगा मारवाड़ में जिस वंश ने शासन किया है उस वंश का नाम है राठौड़ वंश, यानी मारवाड़ के राठौड़ वंश। मारवाड़ का जो वंश है वो वंश कौन सा है, राठौड़ वंश, मारवाड़ के राठौड़ वंश।
मारवाड़ के राठौड़ वंश की सेकंड राजधानी, मारवाड़ के राठौड़ वंश की जो सेकंड राजधानी थी वो सेकंड राजधानी कौन सी थी, तो याद रख लेना खेड़। मारवाड़ के राठौड़ वंश की जो प्रथम राजधानी थी वो प्रथम राजधानी थी पाली, याद रखिएगा क्या थी, पाली। दूसरी राजधानी खेड़, तीसरी मंडोर, और जो जो चौथी राजधानी थी वो चौथी राजधानी जोधपुर, चौथी राजधानी जोधपुर। तो इसमें ये याद रखिएगा जो खेड़ है, इस खेड़ के रणछोड़राय मंदिर का निर्माण किसने करवाया, ये मंदिर है किसका, ये मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है, भगवान कृष्ण का मंदिर, ये मंदिर किसका है, भगवान कृष्ण का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, इस मंदिर का निर्माण, जैसे मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना किसने की थी, राव सिया ने, तो राव सिया के उत्तराधिकारी जो थे, राव सिया के जो उत्तराधिकारी थे, उत्तराधिकारी राव आस्थान, राव आस्थान, राव आस्थान को इतिहास में क्या कहा गया, आस्करण कहा गया, राव आस्करण द्वारा निर्मित, द्वारा निर्मित, राव आस्थान द्वारा ये मंदिर निर्मित है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ऊंट पालक जो जाति है उस जाति का नाम क्या, राई का, या ऊंट पालक जाति जिसे कहा जाता है रेबारी या राई का, राई का या रेबारी जाति का मुख्य पूजा स्थल, मुख्य पूजा स्थल, राई का या रेबारी जाति का जो मुख्य पूजा स्थल है वो मुख्य पूजा स्थल रणछोड़राय मंदिर है। आपने ऐसा भी पढ़ा होगा जब 1857 की क्रांति पढ़ते हैं राजस्थान की, तब हम पढ़ते हैं कि मारवाड़ में सबसे जो भीषण विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति का, वो आहुआ में हुआ था। आहुआ के जो ठाकुर थे खुशाल सिंह चांपावत, उन्होंने युद्ध लड़े थे मारवाड़ की सेना के साथ, और एक युद्ध में चेलावास का जो युद्ध हुआ था, उस चेलावास के युद्ध में मारवा अंग्रेजों के जो सेनापति और मारवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे मेक मोशन, वो मारे गए थे मेक मोशन, और बाद में मेक मोशन का जो सिर था वो सिर काटकर आहुआ के किले पर लटका दिया था, ऐसा भी कहा जाता है। उसके बाद आहुआ में उसकी कब्र है मेक मोशन की, और उस कब्र को ऊंटों की कब्र भी कहा जाता है, उस कब्र पर ऊंटों की कब्र कहा जाता है। राई का या रेबारी जाति के लोग जाते हैं और मन्नतें मांगते हैं, एक तो वो पूजा का प्रमुख स्थल है इस जाति का, और दूसरा रणछोड़राय मंदिर। और रणछोड़राय मंदिर है कहां पर है? तो याद रखिएगा ये मंदिर कहां है, बाड़मेर में खेड़ नामक स्थान पर है। उतार लिया ये, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा मल्लीनाथ जी का मंदिर, मल्लीनाथ मंदिर, कौन सा मंदिर, मल्लीनाथ मंदिर। एक बार टेक्निकल टीम अंदर आकर कैमरे को सही करे, देखिएगा जो मल्लीनाथ मंदिर था वो मल्लीनाथ मंदिर, ये मंदिर है कहां पर, तो ये मंदिर है तिलवाड़ा में, याद रखिएगा। अभी हमने पशु मेला पढ़ा था तिलवाड़ा में, तिलवाड़ा कहां है, बाड़मेर में, तिलवाड़ा है कहां पर है, बाड़मेर में। तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी के बारे में यह कहा जाता है यह मारवाड़ के शासक थे, यह मारवाड़ के शासक थे, राठौड़ वंश के शासक, मारवाड़ के शासक थे, किसके शासक, मारवाड़ के शासक थे ये, लेकिन राजस्थान में लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए, शासक थे कालांतर में, लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए, लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए, किसके रूप में प्रसिद्ध हुए, लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए, बताओ कौन, मल्लीनाथ जी। इनके जो प्रमुख तपस्या का स्थल है वो प्रमुख तपस्या का स्थल कहां पर है, तो याद रख लेना तलवाड़ा में है, इनका मंदिर बना हुआ है तलवाड़ा में। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था रानी रूपा दे, रानी रूपा दे, तो रानी रूपा दे का मंदिर भी बना हुआ है, और रानी रूपा दे का जो मंदिर बना हुआ है वो मंदिर बना हुआ है मालाजाल गांव में,
कौन से गांव में? मालाजाल गांव में। और मालाजाल गांव कहां पर है? ये भी बाड़मेर में, ये भी कहां पर है? बाड़मेर में। ये इनकी पत्नी थी रानी रूपा देवी। इनका तो मंदिर बना हुआ मालाजाल गांव में, जबकि इनका जो मंदिर बना हुआ वो कहां पर है? तिलवाड़ा में बना हुआ है। देखिएगा, मल्लीनाथ जी के जो पिताजी थे उनका नाम था राव सलका, और कहते हैं कि राव सलका के आरंभ में कोई पुत्र नहीं था, और बाद में एक साधु के आशीर्वाद से राव सलका के चार पुत्रों का जन्म हुआ। इनका जन्म, इनका नामकरण साधु के आशीर्वाद से हुआ, और साधु के कहने पर ही राव सलका ने जब ये 18 वर्ष के हुए थे तब योगी के कपड़े पहनाकर इनका राज तिलक कर दिया था। आगे देखिएगा, नाकोड़ा मंदिर। देखिएगा, राजस्थान में ये जो मंदिर है नाकोड़ा मंदिर, नाकोड़ा मंदिर, ये जैन मंदिर है। यहां पर जैन मंदिर, नाकोड़ा के कौन से मंदिर है? जैन मंदिर। इनको, नाकोड़ा के जैन मंदिर को राजस्थान का मेवा नगर भी कहा जाता है। नाकोड़ा को क्या कहा जाता है? राजस्थान का मेवा नगर। राजस्थान का कौन सा नगर है? याद रख लेना, मेवा नगर भी कहा जाता है नाकोड़ा को। जैन मंदिरों के कारण इनको क्या कहा जाता है? मेवा नगर कहा जाता है। जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध भाकरिया पहाड़ी पर स्थित है ये मंदिर। ये प्रसिद्ध मंदिर याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, भाकरिया पहाड़ी पर। भाकरिया पहाड़ी पर स्थित, जिस पहाड़ी पर स्थित है उस पहाड़ी का नाम क्या? भाकरिया पहाड़ी। और यह मंदिर भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित है। भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित, वेरी इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के जो तेबीश्व तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनको समर्पित है। यहां जो आधिपत्य है, देखिएगा, यहां पर जो आधिपत्य है उन्हें नाकोड़ा के भैरू जी भी कहते हैं। नाकोड़ा के भैरू जी, नाकोड़ा के भैरू जी की भी प्रतिमा है, भी प्रतिमा है। यहां पर नाकोड़ा के भैरू जी की भी प्रतिमा है। सबसे इंपॉर्टेंट, भक्ति ने हाथ का हजूर और जागती ज्योत के रूप में मानते हैं। यहां पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद ये रखना है, पौष कृष्ण दशमी के दिन यहां पर जो प्रमुख मेला भरता है वो प्रमुख मेला कब भरता है? यहां पर जो प्रमुख मेला भरता है वो प्रमुख मेला भरता है पौष कृष्ण दशमी के दिन। पौष कृष्ण दशमी के दिन यहां पर मेले का आयोजन होता है। जो नाकोड़ा है वो याद रखिएगा, नाकोड़ा जैन धर्मों के लिए जाना जाता है, जैन धर्म की प्रमुख तीर्थ स्थली है, इसी कारण इसे राजस्थान का मेवा नगर कहा जाता है। ये भाकरिया पहाड़ी पर स्थित मंदिर है, और इन मंदिरों के बारे में यह भी कहा जाता है यहाँ पर भैरू जी की प्रतिमा भी है, भैरू जी भी अधिष्ठित है यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ के जो जैन मंदिर है, ये जैन मंदिर जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे भगवान पार्श्वनाथ, और ये भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित है। बिल्कुल, जो कोटड़ा का किला है वो कोटड़ा का किला शिव तहसील बाड़मेर में, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा देखिएगा, नागनेची माता का मंदिर। नागनेची माता का जो मंदिर है ये नागणा गांव में, कौन से गांव में? नागणा गांव में, नागणा गांव बाड़मेर में, नागणा गांव बाड़मेर में। यहां ऐसा कहा जाता है कि मारवाड़ के जो राजा थे इनका नाम था राव धुड़। राव धुड़ ने चक्रेश्वरी माता की मूर्ति, कौन सी माता? चक्रेश्वरी माता, चक्रेश्वरी माता की मूर्ति, कर्नाटक से लाकर, कर्नाटक से लाकर नागणा गांव में स्थापित करवाई, नागणा गांव में स्थापित करवाई। कौन से गांव में स्थापित करवाई?
तो याद रख लेना, नगणा गांव में स्थापित करवाई। जो मारवाड़ के शासक थे उनका नाम था राव धोड़। क्या नाम था? राव धोड़। राव धोड़ ने चक्रेश्वरी माता की मूर्ति जो काष्ठ की थी और 18 भुजाओं वाली थी, उस मूर्ति को कर्नाटक से लेकर आए थे और कर्नाटक से लेकर आने के बाद बाड़मेर के नागणा गांव में स्थापित करवाई। इसीलिए ये माता क्या कहलाई? नागणेची माता कहलाई। दोस्तों यहां पर जो माता की मूर्ति है, वो माता की मूर्ति याद रखिएगा, एक तो काष्ठ से निर्मित है, काष्ठ से लकड़ी से निर्मित है माता की मूर्ति। और इसके बारे में यह कहा जाता है ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी लोक देवी है जिसकी मूर्ति काष्ठ से निर्मित है। राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिसकी मूर्ति किससे निर्मित है? काष्ठ से। यहां पर जो देवी की भुजाएं हैं, 18 भुजाओं वाली प्रतिमा, 18 भुजाओं वाली प्रतिमा, कितनी भुजाओं वाली प्रतिमा? 18 भुजाओं वाली प्रतिमा है। और मारवाड़ का जो राठौड़ वंश था, मारवाड़ के राठौड़ वंश की ये क्या कहलाती है? कुल देवी कहलाती है, याद रखिएगा, मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी, मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी, मारवाड़ के राठौड़ वंश की ये क्या कहलाती है? कुल देवी कहलाती है। मारवाड़ के राठौड़ वंश की क्या? कुल देवी। कितनी भुजा है? तो याद रख लेना 18 भुजाओं वाली प्रतिमा है ये। राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिसकी मूर्ति किसकी है? काष्ठ की है, यह भी इंपॉर्टेंट है। नागणा गांव में इस मूर्ति की स्थापना हुई, कौन सी मूर्ति की? तो याद रख लेना चक्रेश्वरी माता की। इसीलिए यह माता क्या कहलाई? नागणेची माता कहलाई थी। आगे देखिएगा ब्रह्मा जी का मंदिर। ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वो आशोत्रा में, कहां पर है? आशोत्रा में, आशोत्रा बाड़मेर में। यहां खेताराम जी की समाधि भी है। खेताराम जी की क्या है? समाधि भी है। राजस्थान में जो ब्रह्मा जी के मंदिर है, राजस्थान में एक पुष्कर में भी है, एक बांसवाड़ा के छीच नामक स्थान पर भी है, और जो तीसरा इस मंदिर है वो कहां पर है? आशोत्रा में, आशोत्रा बाड़मेर में। खेताराम जी की यहां पर क्या है? समाधि है, ये याद रखना है। इसके अलावा देखिएगा बाड़मेर जिले के यदि हम प्रमुख दुर्गों की बात करें तो बाड़मेर के जो प्रमुख दुर्ग है, देखिएगा, एक तो आपको मिलेगा कोटड़ा का किला। दोस्तों कोटड़ा का जो किला है, किसका किला? कोटड़ा का किला। राजस्थान में कोटड़ा के दो किले, एक तो किला है बाड़मेर में, बाड़मेर में भी कहां पर? तो बाड़मेर की शिव तहसील में, बाड़मेर की शिव तहसील में। दूसरा देखिएगा कोटड़ा उदयपुर की एक तहसील है, वहां पर भी क्या बना हुआ है? एक दुर्ग बना हुआ है जिसे कोटड़ा का दुर्ग कहते हैं। इसके अलावा देखिएगा बाड़मेर में एक दुर्ग है जिसे कहा जाता है शिवाना दुर्ग। कौन सा दुर्ग? शिवाना दुर्ग, शिवाना दुर्ग। इस शिवाना दुर्ग को कुम्मट का दुर्ग भी कहते हैं। इसे अणकिलो शिवाना दुर्ग भी कहा जाता है। यह हल्देश्वर पहाड़ी पर है। दुर्गों का हमने अध्ययन किया था दोस्तों, अलग से आपको टॉपिक पढ़ा रखा है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग और प्रमुख दुर्गों के बारे में। इस दुर्ग के बारे में आपको डिटेल से पढ़ाया गया है। शिवाना दुर्ग हल्देश्वर पहाड़ी पर है, इसे कुम्मट का दुर्ग भी कहा जाता है, इसे अणकिलो शिवाना भी कहा जाता है। इसके अलावा देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बाड़मेर जिले से जो और है वो मैं आपको बता रहा हूं। एक बाड़मेर में आपको जो प्रमुख स्थान याद रखना है वो याद रखना गडरा का या गडरा रोड का शहीद स्मारक, गडरा रोड का शहीद स्मारक। राजस्थान में जो गडरा रोड का शहीद स्मारक है ये है कहां पर? है गडरा रोड में, गडरा रोड में। यहां पर प्रतिवर्ष मेला भी आयोजित होता है, 9 सितंबर के दिन प्रतिवर्ष मेला लगता है। और यह प्रतिवर्ष मेला कब भरता है? 9 सितंबर को भरता है, 9 सितंबर के दिन यह मेला आयोजित होता है। सन 1965 में भारत पाक युद्ध में, सन 1965
भारत पाक युद्ध युद्ध में रेलवे के 14 कर्मचारी शहीद हो गए, 14 कर्मचारी शहीद हो गए, इनकी स्मृति में प्रतिवर्ष यह मेला भरता है और मेले का नाम क्या है, गड्डरा रोड का शहीद मेला। प्रतिवर्ष 9 सितंबर के दिन, यानी ये जो शहीद हुए थे वो 9 सितंबर के दिन हुए थे, इसी कारण यहां पर जो मेला भरता है वो प्रतिवर्ष मेला कब भरता है, 9 सितंबर के दिन भरता है। इसके अलावा देखिएगा, राजस्थान में यदि आपसे ये पूछे कि राजस्थान में गरीबनाथ जी का मंदिर कहाँ है, राजस्थान में किसका मंदिर है, गरीबनाथ जी का, संत दादू दयाल जी के ये शिष्य हुए जिनका नाम क्या था, गरीबनाथ, गरीबनाथ जी का मंदिर है राजस्थान में, गरीबनाथ जी का मंदिर याद रख लेना कहां पर है, बाड़मेर में। बाड़मेर की एक तहसील है जिसका नाम है चौठन, बाड़मेर की एक तहसील जिसका नाम क्या है, चौहटन। और चौठन में आपको पता हो तो कुमट के पेड़ों से गोंद की प्राप्ति होती है, किसकी प्राप्ति, गोंद की प्राप्ति। तो गोंद की जो प्राप्ति हो रही है वो गोंद की प्राप्ति कहां से, कुमट के पेड़ों से, और ये राजस्थान में सर्वाधिक गोंद की प्राप्ति होती है। इसके अलावा बाटूडा का कुआ है वो बाड़मेर की बायतू पंचायत समिति क्षेत्र में आता है, इसे राजस्थान का जल महल भी कहा जाता है। तो राजस्थान का जो जल महल कहा जाता है वो है बाटूडा का किला, या इसे कहते हैं कुआ। कहां पर है, बाटूडू गांव में, कौन से गांव में, ये कहां पर है, बायतू में आता है, और बायतू जो है वो बायतू कहां पर है, बाड़मेर में, बायतू। इसे रेगिस्तान का जल महल भी कहा जाता है, रेगिस्तान का जल महल याद रखिएगा, इसे क्या कहा जाता है, रेगिस्तान का जल महल। तो रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है, तो बाटूडा का कुआ, इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है, जल महल कहा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये हमने बाड़मेर जिले के जितने भी महत्वपूर्ण स्थल थे, जितने भी मंदिर थे, उन सब के बारे में अध्ययन कर लिया। इसी के साथ हमारा जो बाड़मेर जिला है, ये बाड़मेर जिला भी समाप्त हो गया। दोस्तों इस क्लास को आप अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और उत्कर्ष परिवार के प्रति आप अपना प्रेम बना कर रखिएगा। हम फिर मिलते हैं। क्लिक ऑन दी सब्सक्राइब बटन टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download Karsh app from Google Play Store. Karsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation. With lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download Karsh app now.